हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। आज है 3 दिसंबर 2019। 3 दिसंबर 2019 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे, सारे के सारे हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन करंट अफेयर्स से मिलते जुलते काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपके जीके पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। ये सीरीज़ बायलिंगुअल होती है, यानी कि जो स्क्रीन की भाषा होती है वो इंग्लिश होती है और उच्चारण हिंदी में होता है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इज ऑब्जर्वड ऑन विच डेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को एवरी ईयर। इसलिए हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन, 3 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। इसलिए हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन, 3 दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के उपलक्ष्य में जो हमारे वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने एक समारोह को आयोजित किया है न्यू दिल्ली में। जो विज्ञान भवन है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इन्होंने एक समारोह को आयोजित किया है न्यू दिल्ली में। इस डे के उपलक्ष्य में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनका नाम है वेंकैया नायडू, ये हैं 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो हैं, ये हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। 14th प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के, उनका नाम है रामनाथ कोविंद। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है वेंकैया नायडू, ये 13th वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। अब बात आई है न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली के जो CM हैं, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और जो गवर्नर हैं, उनका नाम है अनिल बैजल। अनिल बैजल हैं गवर्नर और CM हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द 2-डे रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद फोकस ऑन जल शक्ति एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिवसीय, जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें जो फोकस किया गया है, वो किया गया है जल शक्ति एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर। ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है जम्मू में। इसलिए हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन, जम्मू में हुई है 2 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो फोकस किया गया है वो किया गया है जल शक्ति और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। एक बोर्ड है जिसका नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसके जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं? ये बने हैं हरिमोहन। इसलिए हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन, हरिमोहन न्यू चेयरमैन बने हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, हरिमोहन। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है कोलकाता में। कोलकाता है वेस्ट बंगाल की कैपिटल, वहाँ पर हेडक्वार्टर लोकेटेड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, ये याद रखिए। और जो वेस्ट बंगाल है, इसके जो CM है, उनका नाम है ममता बनर्जी। और जो गवर्नर है, उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर, और CM हैं ममता बनर्जी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज मित्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कमेंस्ड एट। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है? ये हुई है अंध मल्टी स्टेशन पुणे में। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, पुणे में स्टार्ट हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति एक्सरसाइज। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक होती है हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति जो होती है, ये इंडिया और मलेशिया के बीच होती है। इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मलेशिया और इंडिया के बीच होती है हरिमो शक्ति। और जो मित्र शक्ति होती है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। मित्र शक्ति से मिलती जुलती एक एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है मैत्री। मैत्री जो एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। किसी में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है मैत्री। और मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच। और जो हरिमो शक्ति है, ये होती है इंडिया और मलेशिया के बीच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया पेविलियन एट द इंटरनेशनल बुक फेयर विच वाज हेल्ड एट ग्वाडालाजारा मैक्सिको। एक अंतर्राष्ट्रीय बुक फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है ग्वाडालाजारा मैक्सिको में। इसको किसने इनॉग्रेट किया है इंडिया की तरफ से? ये हैं संजय धोत्रे। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, संजय धोत्रे ने इसको इनॉग्रेट किया है, इंटरनेशनल बुक फेयर फेस्टिवल जो स्टार्ट हुआ है ग्वाडालाजारा मैक्सिको में। हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं, उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। और जो संजय धोत्रे हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं HRD के, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th नंबर क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन महाराष्ट्र
लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने पूछा है जो इलेक्ट मेंबर हुए हैं एज अ ओपोजिशन पार्टी महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनका क्या नाम है? इनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, देवेंद्र फडणवीस। ये ओपोजिशन लीडर सेलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं महाराष्ट्र में, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ की। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के जो CM बने हैं रिसेंटली, उनका नाम है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे रिसेंटली महाराष्ट्र के CM बने हैं, न्यू रिसेंटली। और जो गवर्नर हैं वो पुराने ही हैं, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ रिकमेंडेड हाउ मैनी एयरपोर्ट्स फॉर प्राइवेटेशन। जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने रिकमेंड किया है कितने एयरपोर्ट्स को प्राइवेट करना चाहिए इंडिया के। इन्होंने रिकमेंड किया है कि 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेट करना चाहिए इंडिया को। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, 6 एयरपोर्ट्स। ये 6 एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? ये एयरपोर्ट्स हैं अमृतसर भुवनेश्वर, वाराणसी का एयरपोर्ट हो गया, उसके बाद इंदौर के बाद रायपुर का, उसके बाद लास्ट है त्रिची। ये सारे 6 के 6 एयरपोर्ट हैं, इनको ये चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए इन 6 एयरपोर्ट्स का। इसलिए हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन, 6 एयरपोर्ट्स को रिकमेंड किया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्राइवेट करने के लिए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिसेंटली चेयरमैन बने थे, आपको पता होगा, अरविंद सिंह बने थे रिसेंटली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन, अरविंद सिंह। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिलता जुलता एक नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अश्विनी लोहानी जो हैं, ये एयर इंडिया के चेयरमैन हैं। और जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं उनका नाम है अरविंद सिंह। इससे पहले थे गुरुप्रसाद मोहपात्रा, इनको रिप्लेस किया है अरविंद सिंह ने, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन द सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप्स इन जलंधर। जो नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी रेसलिंग की, सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप्स जलंधर में, इसको किसने जीता है? इसको जीता है विनेश फोगाट ने। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, विनेश फोगाट ने जीता है जो सीनियर रेसलिंग नेशनल चैंपियनशिप्स हुई है जलंधर में। ये भी आपने याद रखना है कहाँ पर हुई है, ये हुई है जलंधर पंजाब में। पंजाब के जो CM है उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो विनेश फोगाट हैं ये हरियाणा की हैं। हरियाणा और पंजाब की कैपिटल सेम है, आप सभी को पता होगा, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ आप सभी को पता है ये एक यूटी है। हरियाणा के CM हैं रिसेंटली बने थे न्यू मनोहर लाल खट्टर रिसेंटली इलेक्ट हुए थे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, विच लीग लॉन्च्ड अंडर द स्पोर्ट्स फॉर वुमेन वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया स्कीम। एक स्कीम है जिसका नाम है खेलो इंडिया स्कीम, इसमें जो एक लीग है उसको लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन के नाम पे। ये कौन सी है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ये जो लीग है ये है खेलो इंडिया फुटबॉल गर्ल्स लीग। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, खेलो इंडिया फुटबॉल गर्ल्स लीग। ये है जिसमें लॉन्च किया गया है ये स्कीम गर्ल्स के लिए, फॉर वुमेन। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, खेलो इंडिया फुटबॉल गर्ल्स लीग। हमारे जो स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनका नाम है किरण रिजिजू। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है अरुणाचल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है किरण रिजिजू की, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये भी याद रखिए। और ये स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं इंडिया के, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ क्लेम्ड इट एज सेलिंग द मोर फास्टैग्स देन ऑल द बैंक्स पुट टुगेदर ऑन अ डेली बेसिस। इन्होंने कहा है, किसने क्लेम किया है कि उसने सबसे ज़्यादा फास्टैग्स को सेल किया है, सभी बैंक्स को मिला दिया जाए तो भी उससे कम है, ये है पेटीएम। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, पेटीएम ने क्लेम किया है कि उसने सबसे ज़्यादा फास्टैग को बेचा है, सेल किया है। इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन, पेटीएम। पेटीएम के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा हैं प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन ऑफ पेटीएम। मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था जो फास्टैग हैं ये एवरी व्हीकल्स पर लगेंगे, जो 4 टायर्स का कोई भी व्हीकल है उस पर ये एप्लीकेबल होंगे जो फास्टैग है, यानी कि आपके शीशे के ऊपर एक तरह का कोड, वेरिफिकेशन कोड लगेगा, उससे आपके बैंक से डायरेक्ट पैसे निकाल लिए जाएंगे, रिसीव कर लिए जाएंगे टोल प्लाजास पर। इसमें जो भीड़ होती है टोल प्लाजास पर उसको रिमूव करने के लिए ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए फास्टैग हर एक वाहन पर इन्होंने 15 दिसंबर 2019 तक ये लिमिट कर दी थी कि 15 दिसंबर 2019 तक
एवरी व्हीकल पर ये फास्टैग का जो कार्ड है वो लगा होना चाहिए। पहले ये डेडलाइन रखी थी 1 दिसंबर 2019 तक, बट 1 दिसंबर 2019 तक हर एक व्हीकल पर ये फास्टैग नहीं लगा था, इसलिए 15 दिन की इसको छूट दी गई थी और यानी कि 15 दिन और लगाए जाएंगे। 15 तारीख तक एवरी व्हीकल्स पर फास्टैग लगा होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो टोल प्लाजाज हैं वो ऐसे पैसे रिसीव नहीं करेंगे, वो रिसीव करेंगे फास्टैग्स की सहायता से। सो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट अर्बन नेशन टू टेक ओवर द G20 प्रेजिडेंसी। कौन सी कंट्री है जो पहला अर्बन कंट्री बना है जिसको G20 की प्रेजिडेंसी दी गई है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। ये कंट्री है सऊदी अरेबिया, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया को मिली है। ये पहला अर्बन नेशन बना है जिसको G20 की प्रेजिडेंसी दी गई है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एक मिडल ईस्ट कंट्री है, और जो सऊदी अरेबिया है इसकी जो कैपिटल है वो है रियाद, और जो करेंसी है वो है रियाल। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो कैपिटल है वो है रियाद और जो करेंसी है वो है रियाल, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा जाता है सऊदी अरेबिया की कैपिटल बताइए, तो आपने याद रखना है रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक द एंटायर प्रोसेस पिलग्रिम्स गोइंग ऑन हज डिजिटल। कौन सी कंट्री है जो पहला कंट्री बना है जिसने जो सारा प्रोसेस है पिलग्रिम्स का, यानी कि जो यात्रा करते हैं हज की, उसकी जो सारी वेरिफिकेशन वगैरह है उसको डिजिटल बना दिया है? ये कंट्री है इंडिया, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इंडिया ने सारा जो सिस्टम है हज की जो यात्रा करने वाले हैं उनके लिए सारी सिस्टम जो है वो है डिजिटल बना दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंडिया ने किया है। जो हज है ये लोकेटेड है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है जो हज है। इस पर काफ़ी जो श्रद्धालु होते हैं और एवरी ईयर बहुत सारे लोग जो हैं वो यात्रा करते हैं इसकी हज की, इसलिए आपने याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, इंडिया एकमात्र देश बना है जिसने जो सारा प्रोसेस है वो डिजिटल बना दिया है हज पिलग्रिम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन, GST काउंसिल टू ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स अंडर GST। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने एक जो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको GST के दायरे के अंडर लाया गया है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, ये है पेट्रोल और डीजल, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, पेट्रोल और डीजल को अब लाया जाएगा GST के अंडर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला है, जो GST काउंसिल हुई थी रिसेंटली उसमें ये फैसला लिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन, पेट्रोल और डीजल अब आएंगे GST के दायरे में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के। जो GST है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक होता है डायरेक्ट टैक्स एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसके और सारे जैसे देखिए एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये क्या है सारे के सारे ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं। जो डायरेक्ट टैक्स है जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, ये गिफ्ट टैक्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसको डायरेक्ट ही कंज्यूमर से रिसीव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये किसी के बिहाफ से पे किया जाता है। इन दोनों के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, और CBDT है डायरेक्ट टैक्स के लिए। CBDT के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी, और जो CBIC है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है PK दास, प्रणव कुमार दास, ये चेयरमैन है CBIC के, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज़ सस्पेंडेड द ट्रेडिंग लाइसेंस ऑफ विच स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी फॉर ऑल सेगमेंट्स ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस विद एक्सचेंज एंड SEBI नॉर्म्स। कौन सी कंपनी है जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जिसका जो लाइसेंस है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सस्पेंड किया है, क्योंकि इन्होंने SEBI के जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया है और जो नॉन कॉम्प्लायंस है उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसकी जो लाइसेंस है इसका रद्द किया गया है, सस्पेंड किया गया है। ये जो कंपनी है क्रेवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, क्रेवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड कंपनी है, इसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, इसलिए हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन, क्रेवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। SEBI स्टैंड करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं अजय त्यागी इज़ द चेयरमैन ऑफ SEBI, ये भी याद रखिए। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात आई है तो आपने ये भी याद रखना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है
ये एशिया का सबसे पुराना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, ये भी याद रखिए। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, सो याद रखिए, बॉम्बे इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन द आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स 2019। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हुई है रिसेंटली, इसको किसने जीता है? इसको जीता है लेविस हैमिल्टन ने, इसलिए हमारा आंसर है ए ऑप्शन, लेविस हैमिल्टन ने जीता है जो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हुई है रिसेंटली 2019 को। आप सभी को पता है कि हर साल 21 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स होती हैं एक साल में। 2 दिसंबर को आज कंप्लीट हो चुकी हैं सारी की सारी जो ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स हुई हैं आज तक की, यानी कि 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी जो होती हैं ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स, जो कार की रेसेस होती हैं उनको बोलते हैं फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स, ये सारी की सारी मैंने एक भी वीडियो में करवा दी हैं, आप चेक कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप सारी की सारी जो ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स हैं उनको देख सकते हो, कौन कौन सी जो चैंपियनशिप्स हैं, किसने किसने जीती हैं, सारी ही एक वीडियो में ही बताई गई हैं। जो लेविस हैमिल्टन है ये एक ब्रिटिश हैं। आपसे पूछा जाता है जो लेविस हैमिल्टन है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये एक ब्रिटिश हैं, और जो ये कार चलाते हैं ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये कार चलाते हैं मर्सिडी, मर्सिडी कार चलाते हैं जो लेविस हैमिल्टन है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को हर साल, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 2 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन, 2 दिसंबर। सो ये थे ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 दिसंबर 2019 के, जो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इस वीडियो की PDF आप हमारे जो चैनल है वाईफाई एजुकेशन टेलीग्राम पर उसको सर्च कर सकते हो, उसमें से डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।